तो अभी तक हमने और आपने देखा कि किस तरह से गांव में क्रिसमस की तैयारी चल रही है। काफ़ी खुशियां हैं, बच्चे गिफ्ट लेके काफ़ी खुश हो गए, काफ़ी प्रसन्न हो गए। फिर केक कटिंग हुआ, लेकिन कहानी यहीं तक ख़त्म नहीं। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। उससे पहले देखिए आप, पूरा लाइटिंग के साथ गांव कितना खूबसूरत लग रहा है, चर्च कितना खूबसूरत लग रहा है। वाओ, देख रहे हैं, वाकई काफी खूबसूरत है। आप पहले हमारे परमेश्वर शिव को धन्यवाद देता हूँ, ये हमारे लिए सुंदर समय और हम सब प्रयास शुरू करने के लिए। हम लोग आज ये केक कटिंग करेंगे यीशु की जन्मदिन के लिए, यीशु की बर्थडे के लिए हम लोग केक कटिंग करेंगे। ये नाच गाना इसी तरह से पूरा रात चलता है, ये समय को लोग खुशियों के साथ एंजॉय करते हैं। तो चलिए इन लोगों को नाचने दीजिए, बाकी मिलते हैं आपसे कल सुबह। सुबह होते ही जहाँ पे एक तरह घर की लड़कियाँ महिलाएं तैयार होती है, वहीं पे बाकी गांव वाले मीट बनाने का तैयारी शुरू करते हैं। अब हर एक चर्च में अपने अपने चर्च वालों के लिए खाना बनता है, तो आपको दिखाते हैं बाकी चर्च में तैयारी किस तरह से चल रही है खाना बनने की। तो ये है पहला चर्च जहाँ पे खाना बनाने का तैयारी सिलसिला कार्यक्रम चालू हो चुका है। जो पोर्क खाते हैं उनके लिए पोर्क मीट, जो मच्छी खाते हैं उनके लिए मच्छी, जो चिकन खाते हैं उनके लिए चिकन बनता है। और इसी तरह से हर चर्च में अपने चर्च वालों के लिए खाना बन रहा होता है। तो ये हो गया पहला चर्च, तो प्रस्थान करते हैं अगले चर्च की ओर। ये है दूसरा चर्च जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पूरे चर्च वाले मिलके खाना बना रहे हैं, और हम हर जगह इनवाइटेड थे क्योंकि हमसे ज़्यादा वो हमारे आने पे खुश थे। इसी तरह से ना हर चर्च में खाना बन रहा है, और मैं अभी टोटली कंफ्यूज कि किस चर्च में खाऊं, क्योंकि अलग अलग आइटम, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग डिश, कहाँ खाऊं, कंफ्यूज्ड टोटली। चलिए मैं तो
हर जगह थोड़ा थोड़ा खा लूँगा, लेकिन आपको कोई एक पर्टिकुलर चर्च में लेके चलता हूँ कि 25 तारीख को होता क्या है। तो यहाँ पे सब लोग भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं एक अच्छे साल के लिए, एक अच्छे लाइफ के लिए, और दुआ कर रहे हैं कि आने वाला साल भी इसी तरह खुशियों से भरा रहे। ये प्रे के बाद अपने बच्चे को बर्थडे विश करते हैं, पूरे गांव वाले उनको आशीर्वाद देते हैं। So today is his birthday, so I'm giving this party in his on the occasion of his birthday. So I'm making his own da. प्रे खत्म होने के बाद ही तो असली कार्यक्रम शुरू होता है, डांस नाच गाना। ये चीज अपने स्कूल का एनुअल फंक्शन याद दिलाता है। नाच गाने के बाद अगले साल का प्लानिंग होता है, साथ ही साथ जिन्होंने इस साल चर्च के लिए अच्छा काम किए उनको गिफ्ट्स देते हैं। अंदर क्या चल रहा है उस पर तो ध्यान था ही, लेकिन साथ ही साथ मेरी नज़र बाहर पे भी था कि खाना बन रहा है कि नहीं, क्योंकि भूख लग गया था, और वहीं पे चंदन भाई चुपके से निपटा रहे थे। ये फंस गया सी है, पकड़े गए। तो चलिए अब क्योंकि पूजा हो गया, सब कुछ हो गया और भूख भी लगा हुआ है, तो डायरेक्ट टूटते हैं खाने पे। यहाँ पे ना गाँव का एक, मैं आपको सबसे एक अच्छा नियम बताता हूँ, अब अच्छा है या नहीं वो आप डिसाइड करिए, लेकिन सबसे पहले गांव की महिलाएं जो हैं वो जितने भी पुरुष लोग हैं उनको खाना खिलाते हैं और फिर खुद खाते हैं, जो पुराने परंपरा को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। सीखने वाली बात क्या है ना कि सब लोग खुशियों को साथ एंजॉय करते ही हैं, लेकिन सारे लोग मिलकर काम भी करते हैं इस चीज़ को और खूबसूरत और यादगार बनाने के। इट्स टाइम फॉर लंच, और चलिए अब हम भी खाना खाते हैं। और यहाँ पे आपको सब चीज़ पूछ के खिलाया जाता है, आप जो चीज़ अगर नहीं खाते हैं आप मना कर सकते हैं, और जो आप खाते हैं वो आप खाइए, उसमें रोका कौन है। हमारा खाना ख़त्म हो चुका है और क्रिसमस का दिन वाकई
काफ़ी यादगार रहेगा। अब आपको लग रहा होगा ये लाइन सुन के कि ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं, लेकिन आपको बताऊं, ये क्रिसमस का इन्जॉयमेंट पूरा 1 तारीख तक चलता है आज से, और असली पार्टी तो आज से ही स्टार्ट हुआ है, ये तो बस शुरुआत था। तो आज से लेके 1 तारीख तक हर घर में इसी तरह से मीट करता है, मीट सुखाते हैं, मीट पकाते हैं। क्या वो गलत हो गया है? और गांव वालों का इंतज़ार करते हैं कि गांव वाले आएंगे हमारे घर पे, नाच गान करेंगे और फिर पूरे गांव वालों को बारी बारी से हर एक घर में खिलाया जाता है 1 तारीख तक। गाँव में ना यही सीखने वाली बात है, छोटी छोटी खुशियों को भी इतना अच्छे से इन्जॉय करते हैं ना कि क्या ही बताऊँ। बिल्कुल मन करता है कि यहाँ से जाऊँ ही नहीं, और हम भी यही दुआ करते हैं कि ये खुशियाँ ये गांव में इसी तरह से, ये गांव में नहीं हर गांव में इसी तरह से बना रहे और लोग इसी तरह से खुश रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, बाकी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।